आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। इकतीस जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। कोरोना के चलते शिफ्ट में हो सकता है काम। पीएम मोदी ने की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। इस दौरान देश में कोविड स्थिति पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री जयराम बोले, होम आइसोलेट कोरोना संक्रमितों को अस्पताल तक परिवहन सुविधा दें। सिखों की प्रधानमंत्री से अपील, वीरबाल दिवस की जगह पे वीर साहेबजादे दिवस। सरकार ने किया सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन। देश विदेश में 75 लोग हुए शामिल। कोरोना संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने किया आगाह। कहा, भारत में फिर हो सकते हैं दूसरी लहर जैसे हालात। बड़े शहरों में अगले सप्ताह तक आ सकता है कोरोना का पीक। विशेषज्ञों ने विभिन्न मंडलों के आधार पर जताई आशंका। यूपी में अखिलेश यादव की सपा को मिल सकता है नया सहयोगी। भाजपा से मुंह मोड़ेगी बिहार की हम और वीआईपी पार्टी। आईटी इलाके में वाहन चालक के बचेंगे 15 से 20 मिनट। पीएम मोदी जल देंगे सुरंग की सौगात। दिल्ली एनसीआर में छाई कोहरे की चादर। कम विजिबिलिटी ने बढ़ाई वाहन चालकों की परेशानी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस में नहीं बनी टिकटों पर सहमति। सोनिया बोली, पहले एक राय बनाओ। हरियाणा में पलवल सहित अब 3 और जिलों में बड़ी पाबंदी। नई कोविड गाइडलाइन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र साहनी का निधन। लद्दाख में उर्दू भाषा के इस्तेमाल पर सियासत गरमाई। पटवारी नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू भाषा नहीं जरूरी। जम्मू कश्मीर में अदालतों के दरवाजे फिर बंद होने के बने आसार। वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड। बीजेपी के बाद अपना दल के विधायक चौधरी अमर सिंह ने दिया इस्तीफा। सपा में शामिल होने की संभावना। मकर संक्रांति पर प्रदेश में श्रद्धालुओं ने लगाई पुण्य की डुबकी। प्रयागराज और वाराणसी घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में मतदाताओं के घर घर जाएंगे बीएलओ। पहचान करेंगे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता। राहुल गांधी बोले, उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर देश में बड़ा बदलाव ला रही है कांग्रेस।
सहजनवा दोहरी घाट नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। 650 हेक्टेयर भूमि होगी अधिग्रहित, बनेंगे 12 स्टेशन। अलीगढ़ में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। औरैया में पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया पैदल गश्त, शांतिपूर्ण मतदान करने को ही रही व्यवस्था। फरीदाबाद में अस्पताल की मोर्चरी से गायब हुई डेड बॉडी, अस्पताल प्रशासन कर रहा मामले की जांच। मैनपुरी में प्रधान प्रतिनिधि पर हमले का आरोपी गिरफ्तार, स्कॉर्पियो चढ़ाकर मारने का किया था प्रयास। रायबरेली में सिटीजन रिपोर्टर बनना पड़ा महंगा, प्रेमी जोड़े का वीडियो बनाने पर चाकू से हुआ हमला। संबल में गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर हुई बड़ी बैठक, किसानों से किया गया संवाद। संबल में स्वच्छ भारत मिशन योजना का पलीता तालाब में तब्दील हुई सड़कें। संबल में स्कूल में बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद खिले बच्चों के चेहरे। सीतापुर में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। फरुखाबाद में प्राइम टीवी की खबर का हुआ है असर, अस्पताल संचालक ने पीड़िता से मांगी माफी। रायबरेली में पतंग कारोबारियों पर छाए कोरोना के बादल, नाइट कर्फ्यू ने बढ़ाई व्यापारियों की मुश्किलें। अलीगढ़ में युवती ने शादी से किया इनकार, बाइक चोरी में दूल्हा पहुंचा जेल। बस्ती में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चंदौली में पीड़ित पिता ने लगाई न्याय की गुहार, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पहुंचे एसपी कार्यालय। रायबरेली में आचार संहिता का पालन कराने में जुटा प्रशासन, भाजपा जिलाध्यक्ष की गाड़ी से हटवाए गए हूटर। रायबरेली में इलाके की हालत बेहद खराब, इलाके में नहीं हो रही साफ सफाई। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने रिक्शे को मारी टक्कर, मौके पर एक युवक की मौत, दो घायल। रायबरेली में सूखे कुएं में गिरी महिला, महिला को ग्रामीणों ने निकाला बाहर। गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा कई वर्षों का रिकॉर्ड, 24 घंटे में हुई 16 मिलीमीटर वर्षा। अमेठी में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक में पीछे से घुसी तेज रफ्तार बस, डिवाइडर को तोड़ते हुए बीच सड़क पर पहुंची ट्रक बस।
फतेहपुर में पुलिस पेट्रोलिंग की खुली पोल, थाने से चंद किलोमीटर की दूरी पर हुई चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को बनाया निशाना। हरिद्वार में गिरफ्तार हुआ हेट स्पीच का आरोपी जितेंद्र नारायण उर्फ त्यागी सिमरिज भी हुआ गिरफ्तार। नारसन बॉर्डर से हरिद्वार पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस भाजपा विधायक हरिशंकर माहौर ने दिया इस्तीफा। माहौर ने भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष रतन देव को सौंपा इस्तीफा। शिकोहाबाद भाजपा विधायक मुकेश वर्मा ने किया ट्वीट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रतन देव पर साधा निशाना। अपनी असफलता का ठीकार दूसरों पर तोड़ा। डबल इंजन की सरकार फेल हुई। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट। ट्वीट में भाजपा सरकार पर किया हमला। 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति। चमोली में आगामी चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। ऋषिकेश में चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस अधिकारियों ने की बैठक। ऋषिकेश में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। बुजुर्ग को पीटने पहुंचे बदमाश। पकड़े जाने पर बुजुर्गों से मांगी माफी। ऋषिकेश में आगामी चुनावों को लेकर गरमाई राजनीति। पूर्व राज्य मंत्री ने लगाया अनदेखी का आरोप। मकर संक्रांति पर्व आज। स्नान पर प्रतिबंध के चलते हर की पौड़ी सील। अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को भेज रहे वापस। गाजियाबाद से उत्तराखंड एसटीएफ के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश। लूटा था कॉस्मेटिक सामान से लदे ट्रक को। सोमेश्वर सीट छोड़ सभी सीटों पर दावेदारों की फौज। भाजपा को बगावत का डर। चमोली में यूकेडी प्रभारी ने दिया बड़ा बयान। यूकेडी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। कालाडूंगी में गुलदार ने दो लोगों पर किया जानलेवा हमला। हमले से युवक और युवती गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में बढ़ रहा कोरोना। गर्भवती महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु बीमार कार में घर से करेंगे काम। हाड़ कपा देने वाली ठंड में 25 से अधिक साधु संन्यासी कर रहे हैं तप। 4600 मीटर की ऊंचाई पर रमाए हैं धुनी। जशोदरपुर औद्योगिक आस्थाना में इकाइयों पर आयकर टीम छापेमारी। मौके पर मचा हड़कंप। देहरादून बर्फीली हवाओं से बड़ी कपकपी। कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत। कुमाऊं की इन 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करते ही कांग्रेस में उभरेंगे बगावती स्वर। हल्द्वानी पहुंचे कत्यूरी वंशजों ने कुलदेवी जिया रानी का किया आह्वान। अफगान में महिलाओं को लेकर चिंता में गुतेरस। कहा आधी आबादी को नजरअंदाज कर आगे नहीं बढ़ सकता है देश।
चीन की महिला जासूस ब्रिटिश संसद में सक्रिय, खुफिया संगठन MI5 ने दी ये जानकारी। बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला, गिराए गए 3 रॉकेट, इराकी अधिकारी ने दिया ये बयान। आउती के कब्जे वाले जहाज पर सवार 7 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत चिंतित, तत्काल रिहाई की अपील की। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 3री बूस्टर डोज प्रभावी। नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी कर रही पाक सरकार, मेडिकल रिपोर्ट की जांच के लिए बोर्ड का गठन करने के निर्देश। अमेरिका S-400 की खरीद पर भारत को करेगा हतोत्साहित, बाइडेन प्रशासन ने प्रतिबंध लगाने की स्थिति अब तक नहीं की स्पष्ट। कोरोना में गठिया की दवा कारगर, WHO ने गंभीर मरीजों के लिए 2 दवाओं बेरिसिटनिब और सेट्रोविन की दी मंजूरी, इनसे तुरंत आराम मिलेगा और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होगी। इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में विपक्ष, ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। सऊदी अरब में महिलाओं का नया अवतार, पहली बार ऊंट प्रतियोगिता में हुई शामिल। तीसरी लहर के आर्थिक असर को लेकर रिजर्व बैंक सतर्क, RBI गवर्नर की अध्यक्षता में HDFC की बैठक में उठा मुद्दा। क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, प्रदेश में 70 दिन से नहीं बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतें। टाइटन ने लॉन्च किया स्मार्ट ग्लास, सेल्फी लेगा और गाना भी सुनाएगा आपका स्मार्ट चश्मा। गोल्ड की तरह बिटकॉइन का आएगा ETF, टॉरस क्लिंग ब्लॉकचेन कर रही है तैयारी। रिलायंस गुजरात में 5.95 लाख करोड़ रुपए का करेगी निवेश, 10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। फोन कॉल पर चोरी हो सकता है OTP, साइबर दोस्त ने किया अलर्ट। पेंशनर्स के लिए बड़ी राह, अब ऐप से घर बैठे जमा होगी जीवन प्रमाण पत्र। सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है व्हाट्सएप, साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने किया सावधान। GST की बाइक लॉन्च, इसमें रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर नाम के 3 बाइक, कीमत 1.98 लाख रुपए से शुरू। टेस्ला की लॉन्चिंग में देरी, एलन मस्क बोले भारत में कार लॉन्च करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। कमेंट्री के दौरान बोले गावस्कर, श्रीलंका सीरीज में रहाणे व पुजारा होंगे बाहर, इनकी जगह शुभम गिल और श्रेयस अय्यर और हनुमान विहारी को मिलेगा मौका। केपटाउन टेस्ट पे रिव्यू पर बवाल, एल्गर का नॉट आउट देखने पर थर्ड अंपायर पर भड़की टीम इंडिया।
पंत की रिकॉर्ड तोड़ पारी, अफ्रीका में पहला शतक लगाने वाला एशियाई कीपर बने ऋषभ, धोनी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। बॉल पर चीते जैसा लपका अफ्रीकी खिलाड़ी पीटरसन ने लोग साइड पर पुजारा शानदार कैच पकड़ा, सोशल मीडिया पर छाए रहे। पाकिस्तानी ओपनर को मिली दूसरी जिंदगी, बल्लेबाजी के दौरान खतरनाक बीमारी के चलते बिगड़ी थी हालत। रविंद्र जडेजा पर भी चढ़ा पुष्पा का कुमार, अल्लू अर्जुन के लुक में दिया खास मैसेज। पांच सौ सत्तानवे विकेट लेने वाला पाकिस्तान पेसर सड़क पर बेच रहा चने, वीडियो हुआ वायरल। बीसीसीआई ने क्रिकेट बोर्ड को भेजा पत्र, बताया कब तक करे आईपीएल 2022 नीलाम के लिए रजिस्ट्रेशन। विराट कोहली की केप टाउन टेस्ट में पारी से खुश हुए एबी डिविलियर्स, जमकर की दोस्त की तारीफ। बुमराह ने लिया जेनसन से बदला, बल्लेबाज को बोल्ड कर ऐसे दिखाई हीरोपंती, कोहली ने भी दिया साथ। आयुष शर्मा ने बीच सड़क किया इतना खतरनाक स्टंट, वीडियो देख बढ़ जाएंगी सलमान खान की भी धड़कने। कैटरीना कैफ ने बनाई शादी के बाद पहली लोहड़ी, विकी कौशल संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें। सरोगेसी से पिता बने तुषार कपूर की किताब की बैचलर डैड अगले महीने होगी रिलीज। अंधाधुन के बाद एक बार फिर ग्रेस शेड किरदार में नजर आएंगी तब्बू, डायरेक्टर आसमान भारद्वाज की कुत्ते में बनी है करप पुलिस कांस्टेबल। विद्युत जामवाल ने शुरू की IB71 की शूटिंग, विद्युत एक्टिंग के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। काइली जेनर इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन फॉलोअर्स वाली पहली फिल्म बनी। काइली पेशे से रियलिटी टीवी स्टार और एक बिजनेसमैन। काजोल ने सासू मां वीना देवगन के साथ मनाई लोहड़ी, अजय देवगन की बहन भी हुई फैमिली सेलिब्रेशन में शामिल। आमिर खान करेंगे टॉम हैंक्स के लिए लाल सिंह चड्ढा के स्पेशल स्क्रीनिंग, रिलीज से पहले फिल्म दिखाने जाएंगे यूएसए। एक्सीडेंट से रिकवर, बचपन का प्यार फेम सहदेव ने गाया नया गाना, इंस्टाग्राम यूजर्स ने किया गंदे कमेंट। तेजस्वी प्रकाश ने शमिता शेट्टी के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, हुई ट्रोल। आज के प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।